हाय फैमिली, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? बिटकॉइन एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गया है, $23,100। और यहाँ पर आप सबके मन में यही सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या हमें इस लहर पे सवार रहना चाहिए या हमें कोई एग्जिट प्लान पता होना चाहिए? सबके मन में होगा, सबके दिमाग में ही होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात जो है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए, जिसमें आपको ये जो है रियलाइज होना चाहिए कि भैया ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दो चीज़ों का रियलाइजेशन होना चाहिए। क्या मैं शॉर्ट टर्म में इस ट्रेड के लिए हूँ या मैं लॉन्ग टर्म में इस ट्रेड के लिए हूँ? अगर आप शॉर्ट टर्म में इस ट्रेड के लिए हो तो यहाँ पर आपको लेवल्स को पता होना चाहिए, कहाँ पे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कहाँ मुझे एग्जिट करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न है और अगर आप चार्ट को देखते हो तो बिटकॉइन यहाँ पे अभी भी बहुत ही लो पर आपको दिखेगा। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई 2000, आपको पता है कि एक फेज चलता है बिटकॉइन की हालविंग के बाद में, हम एक साल वनवास काटते हैं, अब एक ट्रेंड चेंज हो रहा है और उसके बाद हम जब हालविंग तक 100-150-200% का रिटर्न देखते हैं और उसके बाद असली खेल खुलता है और बिटकॉइन जो है नया ऑल टाइम हाई बनाता है। ये लॉन्ग टर्म विजन है, ये आपके पोर्टफोलियो में अगर आप रखते हो बिटकॉइन लंबे समय के लिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर 4 साल में एक जो है साइकिल घूमता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम पैसा बनाते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा गाड़ी से बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके सोच रहे होंगे हमें बिटकॉइन को लेके क्या करना है, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप अभी देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन लगभग जनवरी के अंदर 40% जो होप खो चुके थे उसके लिए बिटकॉइन को 40% देखना कहीं ना कहीं एक अजूबा सा लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले भी ऐसी हरकतें करते देखा है। लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप होल्ड करो, मस्त रहो, बिंदास रहो। अब आता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 2-3 लेवल्स हैं जिसको आपको यहाँ पता होना चाहिए। अगर आप बात करते हो 50 मंथली मूविंग एवरेज जो कि लगभग $23,100 पे आता है, इसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि हमारे हिसाब से टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है और जैसे आपको पता है जब नीचे DCA करते हो तो आप ऊपर जो है प्रॉफिट बुकिंग भी तो हर लेवल पे करनी चाहिए ना। आप 15-16 हज़ार पे जैसा हमने बोला था अगर एंट्री ली हुई है जैसा हमने बताया था तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आप बिटकॉइन के अंदर ही होंगे, दूसरे कॉइन्स की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे रियलाइज होनी चाहिए कि अगर कुछ पोर्शन अगर आप 23,000 शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और हमने आपको ये भी बोला था एक दो वीडियो के अंदर पुरानी अगर आप देखोगे कल की आज की, कि भैया अगर इसके ऊपर ये इस महीने में क्लोज करता है 23,100, ये जो हमने बताई थी 50 मंथली मूविंग एवरेज, तो एक ट्रेंड चेंज होता है, हो सकता है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिले क्योंकि एक बड़ा पंप देखने को मिल रहा है, करेक्शन आने के चांसेस शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं। अगर यहाँ से ये अगर नहीं रुकता है, नॉन स्टॉप रहता है, तो वीकली कैंडल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है जो कि आती है लगभग $24,000 और फिर आती है $26,000, क्योंकि जिस पेस से ये चल रहा है तो हो सकता है $23,000 के आसपास ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। अगर इसको ब्रेकआउट करा और एक दो दिन यहाँ पे क्लोज करता है इसके ऊपर तो ये 23,100 हो सकता है इसके लिए एक सपोर्ट का काम करे। तो हमें सारे एंगल सारे सिनारियो को देख के चलना है और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो इन लाइन्स पे ट्रेड करो और प्रॉफिट जो है बुक करते रहना एक समझदारी है। बड़ा विजन है तो यहाँ पर बिटकॉइन अपने लो पर है, दोनों माइंडसेट, दोनों चीज़ें, दोनों सोच आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल डिफरेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है आप जो है शॉर्ट टर्म का ट्रेड लॉन्ग टर्म में कर देते हो, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में बना देते हो, तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दो लेवल अगले जो है रेजिस्टेंस के हैं वो है 24,100, फिर आता है $26,000, क्योंकि वीकली कैंडल के अंदर वहाँ एक रेजिस्टेंस मिलती है। अगर आप देखते हो अगर डेली कैंडल में तो इस टाइम पे तो कोई रेजिस्टेंस खास दिखती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से अपने आने वाले ट्रेड लेने हैं। उम्मीद करता हूँ हम भी जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जिट प्लान दोनों माइंडसेट आपके क्लियर होने चाहिए।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक नया लेवल, $23,000, कहीं ना कहीं एक जोश अलग ही है। हाउ इज़ द जोश, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, हैव फन।